हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ पंजाबी स्टाइल सरसों का साग, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा बनता है। अभी विंटर्स हैं तो बहुत अच्छे से सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो आप बना सकते हैं ये साग। और इसमें बहुत सारे साग डाल के हम बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, तो इसके लिए देखिए मैंने ये लिया है पालक, ये दो मैंने पालक लिया है। इसको मैं धो के अच्छे से साफ कर लूँगी। ये मैंने लिया है बथुआ, और इसको डालने से जो हमारा सरसों है, ये लिया है मैंने सरसों। बथुआ डालने से जो सरसों है वो बहुत आसानी से गल जाता है। ये मैंने लिया है सोया, ये लिया है मैंने मेथी। तो मैं इन पूरे सागों को डाल के मैं ये सरसों का साग बनाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं सभी साग को लूँगी, उसको साफ़ करूँगी, उसको बारीक कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए बथुआ को कट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने पालक को कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें सारी सब्जियों को बारीक कट कर लेना है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी जैसा होता है किसके साथ, तो हमें दो तीन पानी से साग को अच्छे से धोना है, धो के हमें छान लेना है। इधर मैंने मेथी देखिए कट कर लिया है, तो मेथी को भी हम अच्छे से कट कर लेंगे और उसको साफ़ कर लेंगे। फिर इधर मैंने सोया को भी आप देख सकते हैं कट कर लिया है बारीक, तो हमें सोया भी कट कर लेना है। तो इनको भी हम अच्छे से धो लेंगे, पानी में अच्छे से हमें धोना है ताकि किसकिसापन बिल्कुल नहीं, अगर किसकिसा हो जाएगा तो साग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब भी आप सरसों का साग बनाएं तो ज़रूर इन सब वेजिटेबल्स का यूज करें, सब सागों का, तभी आपका जो साग है वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है और उसको किस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बनाना साग को। तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और कुकर में मैंने एक गिलास पानी डाला है, और बहुत अधिक पानी का नहीं डालना हमें, एक गिलास में हो जाएगा। और यहाँ पे जितना भी साग मैंने लिया था सबको अच्छे से धो लिया था, वो साग को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे मैंने सारा साग को ऐड कर देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर जो मैंने अदरक और हरी मिर्च लिया है इसको मुझे डालना है, क्योंकि इससे हमारे साग का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अदरक और हरी मिर्च यहाँ पे हमें एक ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर टेस्ट के अनुसार हम यहाँ पे साल्ट ऐड करेंगे। बहुत अधिक नहीं करना है, अभी थोड़ा सा ही ऐड करना है। और उसके ऐड करने के बाद फिर हम इसको कुकर को बंद करके दो तीन विसल लगा लेंगे। तो विसल मैंने लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा साग एकदम अच्छे से गल गया है, तो देख सकते हैं आप। और अगर आपको इसी तरह से खोल के अगर पकाना है तो आप यहाँ पे ही गैस को स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको चलाते हुए और इसको मैच करते हुए बनाइए। या मैं आपको फास्ट तरीका बताती हूँ जो कि एकदम झटपट रेडी हो जाएगा। तो जो हमने साग को बनाया है और उसको हम आधा पार्ट लेंगे और उसको ग्राइंड करेंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे। बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा रखना है हमें, इस तरह का आप देख लीजिए, इस तरह का होना चाहिए। और जो आधा बचा हुआ है उसको हम दोबारा से डालेंगे और उसको एक बार फिर हल्का सा चलाएँगे, ज़्यादा नहीं चलाना है, एकदम हल्का सा ही चलाना है। तो हमारा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप, और पेस्ट एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए हम लेंगे, तो यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने ये गार्लिक चॉप करके लिया है यहाँ पे, और दो रेड चिली, ग्रीन चिली मैंने लिया, और जिंजर ग्रेट करके लिया है, और यहाँ पे मैंने ये ओनियन लिया है चॉप करके, और ये हमें चाहिए। और पंजाबी साग है तो ये तड़का तो बनता है, तो हम अब यहाँ पर ये टोमेटो लिया है मैंने, उसको चॉप कर लूँगी, चॉपर की हेल्प से कर लेंगे तो अच्छा सा हो जाता है। तो एक लिया है उसको चॉप कर लिया है मैंने इसके अंदर, ताकि आसानी से थोड़ा अच्छे से पतला सा चॉप हो जाए। तो इस तरह से हमने टोमेटो को भी बारीक चॉप कर लिया है यहाँ और चॉपर में, और आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लिया है इसके अंदर। मैंने जिंजर भी और अलग से लिया है। अब हम लेंगे घी, क्योंकि साग है तो सरसों का तो घी तो डालना बनता है, क्योंकि बिना घी के तो साग का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसको हमें घी के अंदर ही
फ्राई करना है। तो अब हमने जो ऑनियन लिया था उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और हमें बारीक ऑनियन को लेना है, कट करके लेना है। तो ये मैंने ऑनियन डाल दिया है, जब हमारी ऑनियन भुन जाएगी उसके बाद फिर मैं और चीज़ ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं आप, हमारी ऑनियन ने कलर चेंज कर लिया है, और यहाँ पे बहुत अधिक हमें इसे नहीं पकाना है। और इसको करने के बाद हम यहाँ पे चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर को ऐड करेंगे, क्योंकि जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिंजर तो सभी ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें डालना चाहिए, ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है डालने से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, यहाँ पे दो हरी मिर्च को मैंने डाला है, एक लाल मिर्च डाला है। इससे क्या है कि बहुत अच्छा तड़के में फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा साग लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं ऐड करूँगी, और यहाँ पे देखिए ये भून गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे टोमेटो ऐड करना है, तो जो मैंने चॉप करके टोमेटो लिया है ये देखिए अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। तो जो हमने टोमेटो चॉप करके लिया है वहाँ पे, यहाँ पे उसको मैं ऐड करूँगी। तो ये देखिए ये चॉप किया हुआ एकदम महीन है, इसको इतना अच्छे से चॉप करके ही लेना है हमको, ताकि अच्छे से गल जाए और हमारे साग के अंदर बहुत अधिक दिखाई नहीं दे, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं टोमेटो को डाल के और इसको मिक्स कर लिया, हमको मिक्स कर लेना है अच्छे से और पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से घी छोड़ नहीं दे और ये पक नहीं जाए। तो यहाँ पे हम पकाने के लिए इसको थोड़ा सा साल्ट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा साल्ट ऐड इसलिए किया है ताकि हमारा जो टोमेटो है वो अच्छे से गल जाए और अच्छे से भून जाए। और बहुत अच्छा टोमेटो के अंदर अगर हम साल्ट डाल देते हैं तो हमारा साल्ट टोमेटो अच्छे से फटाफट गल जाता है। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके थोड़ी देर पकाऊँगी। तो अभी मैंने देखा खोल दिया है, और यहाँ पर देखिए घी सेपरेट हो गया है, टोमेटो हमारा अच्छे से गल गया है। तो अब यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना के रखा है उसको मैं यहाँ पे साग को डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरा डालने के बाद। तो फिर बहुत अच्छा से मिक्स करने के बाद, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पंजाबी स्टाइल है तो इस तरह से तड़का लगाना बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम स्मूथ हमारा साग अच्छे से रेडी हो गया है, अच्छा बन गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आल भी लगा सकते हैं। आल लगाना मीन्स कि आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा एक छन्नी में लेके और यहाँ पे मक्के का आटा या बाजरे का आटे को डाल सकते हैं, बहुत लोग डालते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए पेस्ट को। तो लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा साग रेडी हो गया, मैं सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम सरसों का साग सर्व कर दिया है, और इसको फ्रेंड्स आप मक्के की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग मक्के की रोटी के साथ ही पसंद करते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मैं डबल तड़का बताई थी आपको कि मैं डबल तड़का लगाऊंगी इसमें, जिससे कि टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक और हरी मिर्च और रेड चिली का मैंने यहाँ पे तड़का लिया है, हींग डाला है, हींग से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसके ऊपर तड़का डाल दूँगी, तो ये मैंने तड़का डाल दिया है और बाद में इसको मैं मिक्स कर दूँगी, और ये बहुत ही अच्छा बना है साग हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा धमाकेदार पंजाबी स्टाइल सरसों का साग रेडी है। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसा लगा, और इस विंटर आप ज़रूर बनाइए और खाइए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलिएगा कि आपको सरसों का साग कैसा बना। और आप अगर इसी स्टाइल से बनाएंगे तो आपका सरसों का साग बहुत ही टेस्टी बनेगा, एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइए और बताइए हमें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो प्लीज़ आप पूरा करके वॉच करके तब आप कम से कम पूरा नहीं तो 50% तो ज़रूर देखा करें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाए। तो फ्रेंड्स आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को फुल वॉच करिए या 50% ज़रूर कीजिए, तो ताकि हमारी जो मेहनत है वो अच्छे से सफल हो सके। तो
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे पूरा वीडियो, और हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने राय ज़रूर बताया करिए। अगर आपको कोई न्यू रेसिपी चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, तो आप ज़रूर बताया कीजिए, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।